चलें जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग होता है यहीं से शुरू। तो ये है पार्ट टू और हम ताइफ के ज़ू में आ चुके हैं। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगे भी, हम अंदर जाएंगे, झूले वूले भी हैं, ज़ू है, म्यूज़ियम है, ये सारी चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। कल तक का जो व्लॉग था उसके अंदर हमने ताइफ के जो पार्क शार्ट थे, हदीका था, वो सब मैंने आपको दिखाया था। अभी गेट टू से निकले हैं हम और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे थोड़ी देर में। चलें जी, टिकट शिकट लेके हम लोग अंदर आ गए हैं और बच्चे बड़े खुश हैं। यहाँ पे भी झूले लगे हुए हैं लेकिन यहाँ बच्चों को झूलों पे नहीं बिठाऊंगी। यहाँ से भी हम अंदर जाएंगे तो अंदर से हमारा ज़ू का एरिया शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़ू के अंदर, मैंने खुद देखी नहीं है लेकिन अभी देखेंगे। झूलों पर तो बच्चे खेल चुके हैं तो इसलिए हमने कहा है कि बस हम झूलों पर नहीं बिठाएंगे, अभी हम ज़ू देखेंगे और हम साथ में देखेंगे डॉल्फिन का शो जो यहाँ भी होता है। ये क्या है? ड्रैगन। फिर बदतमीजी हो रही है। इधर क्या है? क्या है? परिंदे। ईगल 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 देखो, वो देखो ऊपर, वो देखो, शेर है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा, शेर तो है ही नहीं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलें जी, शेर देख चुके हैं और यहाँ है भालू, बहुत ही बड़ा भालू है ये कोई, और यहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन्होंने ये जो है ना लोहे का बनाया हुआ शेर वाला जो पिंजरा था ना, वो इन्होंने कांच का बनाया हुआ था, यानी कि शीशा लगा हुआ था पूरा। और ये जो दूसरे हम काफ़ी सारे शेर हैं, यहाँ एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। वो बोल रहा है वो वाला, करो, वो बोल रहा था ना। कैसे मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। चूर होते बताए, मुझे बहुत पसंद है ये, देख मुझे दिखाओ मुझे। आई लाइक दिस जानवर, आई लाइक दिस जानवर। वो है, ये कैसे भूल रहे हैं भाई, सोते ही है।
फोटो लग रही है। हमारे वाले वुल्फ देख लिए ना तो वो ये वो है इसको वो कहते हैं इसका नाम पढ़ो तो नाम पढ़ो क्या चीता तो नहीं है। नहीं 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 लगड़ बग्गा है लगड़ बग्गा लगड़ बग्गा लगड़ बग्गा आज के शीशे में रखा हुआ सारे में मन कांच के शीशे में बंद किया हुआ कांच तोड़ भी सकते हैं और ये बहुत मारता है ना कांटे चुभाते हैं इसमें बहुत है से ये से पीछे पूंछ का सीके से हो मोर का हो से से ये नाजरीन हम आपको इस्लामाबाद में भी दिखा चुके हैं लेकिन आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं ये कांटे फेंकता है यहाँ तक कैसे कांटों में जहर होता है और ये शेर को भी मार सकता है। He's a brave boy. अरे हस्ती हम तो अंदर है जी तो आप लोगों को ताइफ घुमा दिया है मैंने ताइफ का जू भी मैं घुमा रही हूँ तो हमारे साथ बने रहना है मिलते हैं थोड़ी देर में यहाँ एक डॉल्फिन शो भी होता है उसका टिकट पता करते हैं। ये ताइफ के जू के अंदर जर्मन शेफर्ड भी रखे हुए हैं साथ साथ इनके बच्चे भी हैं इधर ही मम्मी तो सो रही पापा तो सो रहे अम्मा अब्बा और बच्चे सब कुछ सो रहे हैं इधर डक्स डक्स जी यहाँ डॉल्फिन का शो होना है और ये हमको तस्वीर भी नहीं बनाने देगा यहाँ कह रहा है देखते हैं अभी टिकट पता करते हैं जाना है या नहीं जाना है कहाँ वो रहा 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 रुमान मेरे साथ आ चलें जी तो हम टिकट ले चुके हैं डॉल्फिन का और अभी हम जा रहे हैं अंदर डॉल्फिन शो के लिए रोमान सो एक्साइटेड पानी की बोतल ले लिया उसको पिला देंगे पानी वैसे वो पानी भाग भाग के चले चलो तुम भाग भाग के जाओ मैं आ रही हूँ गिर मत जाना जी तो हम लोग अंदर आ गए और अभी जो है डॉल्फिन का शो शुरू नहीं हुआ है अभी जो पानी की बिल्ली होती है उसको सी फिश क्या पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा तो उसका शो हो रहा है हम यहाँ बैठेंगे अभी देखेंगे 10-15 मिनट बाद हमारा डॉल्फिन का शो भी यहाँ शुरू होगा हम लोगों ने टिकट शिकट ले लिया था और अगर आप लोग ताइफ में रहते हैं यहाँ आना चाहते हैं आप जद्दा में कहीं पर भी तो सबसे सस्ता टिकट है इनका मेरे ख्याल से 50 रियाल का टिकट है
चलिए तो मैं बता रही थी कि इनका टिकट जो है वो 50 रियाल का है और आप आराम से आएँ, बैठें, देखें, लेकिन तस्वीर भी ये खिंचवाएंगे डॉल्फिन के साथ आपकी, लेकिन उसके भी है पेमेंट लेंगे। तो हमने तस्वीर भी बनवाई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, लेकिन अभी जो है ना इनका ये वाला शो चल रहा है, तस्वीर वगैरह जब लेंगे तब वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों के मेरे साथ मज़ा आ रहा है ताइप घूमने में तो आप लोगों ने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयरिंग करनी और कमेंट्स भी करने हैं। मिलेंगे थोड़ी देर में। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बच्चे को उठा दिया है बोट में और जो डॉल्फिन है ना वो बच्चे को लेके जाएंगी बोट पूरी घुमा के वापस लेकर आएंगी। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयरिंग भी करनी। अभी हम जाएंगे आगे, ताइफ का एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है जहाँ सारी पुरानी कदीम से कदीम चीज़ें आपको मिलेंगी, वो भी आपको मैंने दिखानी है। तो आपने मेरे साथ अभी बने रहना है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉल्फिन के साथ पिक खिंचवाने के लिए। अब बच्चे मैं और पूरी फैमिली के पिक खिंचवाएंगे एक, और 100 रियाल ले रहे हैं ये पिक बनवाने के। तो हम आ गए हैं, अभी हम इसको हाथ भी लगाएंगे। चलिए तो अभी हम निकल चुके हैं ताइफ की तरफ और ताइफ के शहर में आ चुके हैं। हमें पता चला यहाँ एक म्यूज़ियम है, काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है जहाँ पे पुराने पुराने जो है वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जो थे उनके ज़माने की चीज़ें हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे इस म्यूज़ियम के अंदर।
फाइनली हम लोग पूछते पूछाते पहुँच गए हैं, और ये अल शरीफ के नाम से है। तो अभी हम जाएंगे अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं पानी का एक कुआं सा लगा हुआ है। चलिए हम ताइफ के म्यूजियम में एंटर हो रहे हैं, और यहाँ सारी पुरानी चीजें हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जमाने की चीजें मस्त है। ऐसे कुएं होते थे, पानी निकाला जाता था। चलें जी। तो ये झाड़ू है और ये बर्तन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, उस पुराने ज़माने की सारी चीज़ें, किस तरीके से झाड़ू लगाई जाती थी, पंखे, एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पे मौजूद है। और सब चीज़ें अगर डीप में दिखाने जाऊँगी आपको तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कोई ठेला है और इसके ऊपर ही लोग जो है वो पता नहीं बर्फ़ शर्फ से गोला गंडा जैसे बनाते हैं ना, ये वो है। और यहाँ इनकी बैठक है, बैठक जगह जगह इनकी मौजूद है। ये इन्होंने पूरे ऊँट छूट रखे हुए थे, और ये इन्होंने अपनी मेडिसिन रखी हुई, कि उस ज़माने में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती थी। और ये तंदूर बना हुआ है इनका, यहाँ से इनकी रोटियाँ पकती थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यूनिक यूनिक इधर। ये जो है ना चीनी के बर्तन है, चीनी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। और यहाँ स्त्रियाँ रखी हुई हैं, यूनिक किस्म की स्त्रियाँ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और लैंप शैम्प भी हैं, काफ़ी पुराने पुराने लैंप हैं। ये सब इनके प्याले, खाने पीने की चीज़ें हैं, कूलर हैं बड़े बड़े। और ये मैं आपको दिखाऊंगी खाने का बागा, पुराना गेट इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, जो बहुत पुराना गेट जो चेंज हुआ है। और ये डोली रखी हुई है जिसमें लोगों को लेके जाते थे और हज या उम्रा करवाते थे। ये सब क्या है? ये बड़े बड़े बैग बना रहे हैं। इन्होंने बैग बना रहे हैं।
कंचे पंचे आप लोग भी उससे खेले होंगे यकीनन। नाई शाही की दुकान भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, पुराने जमाने में ऐसी हुआ करती थी। ये क्या है भाई, पता नहीं औजार है, पतीलियां हैं। ये मोची की दुकान है शायद, छोटी छोटी जूते छुट्टे रुई गद्दे कालीन। कदीम जमाने के जेवरात इनकी औरतें पहना करती थी, और आजकल हमारे भी ये सब फैशन में आ चुके हैं, हम लोग भी ये सब पहन रहे हैं। और ये रेस्टोरेंट है, फवाल फूल फूल शूल मिलता होगा यहाँ पे। ये है पुराने जमाने का कैमरा, ऐसे कैमरे में तस्वीर खींची जाती थी। ये हैं इनके कपड़े, इस तरह के लोग कपड़े पहना करते थे। और ये है इनकी करेंसी, पुराने जमाने के सिक्के पिक्के हैं, ये सब पुराने सिक्के इन्होंने रखे हैं अपने। ओ वाह, पाकिस्तान के भी नोट हैं, पाकिस्तानी नोट भी लगाए हुए हैं यार। 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, ग्रेट यार, पाकिस्तानी करेंसी भी देखने को मिल गया है। किताम तो बड़ा लोग बेचते थे। ये टाइपराइटर है, बैग्स हैं, किताबें हैं, कुरान शरीफ है। तो जी आप टेलीफोन देख सकते हैं, तरह तरह के टेलीफोन हैं उस ज़माने में जो जो यूज़ किए जाते थे, ये सब इन्होंने यहाँ जमा करके रखा हुआ है। रेडियो वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और गाड़ियाँ भी मैंने आपको दिखानी है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी इन्होंने आखिर में खड़ी की हुई। ये सारी दालें शाले किरयानी की दुकान है, जो चीज़ें यहाँ मिलती थी। चलिए, इन्होंने यहाँ कुरान शरीफ रखा है, ये बहुत ही कदीम कदीम से कदीम तर, जैसे पुराना जैसे होता है ना कुरान, वो इन्होंने शीशे के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ मेरे बच्चे और मियाँ गायब हो गए हैं, उन्होंने ढूंढ रही हूँ कि वो किधर है। नहीं कुछ भी नहीं है। हाय बेटी, सिलाई मशीन। चलिए, तो आखिर में हम आए हैं इनके जो एरिया है, इसके अंदर इन्होंने चाकू भी रखे हुए हैं, तलवारें भी रखी हैं, जिन जिन चीज़ों से इन्होंने जंगें लड़ी हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर रखी हुई हैं। और पुराने ज़माने की बुलेट्स भी हैं, इनके कोई पहले फौजी थे उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर यूनिक यूनिक जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं।
देखो ब्लूज ब्लूज ये भारी भी बहुत होंगे। पुराने जमाने की बिल्ली ये चिराग हो सकता है। यहाँ खड़ी हूँ ये बर्तन है जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते हैं। ये देखें जी ये पतीला है, कितना बड़ा पतीला है ये, और ये सब लोहे के हैं, लोहे टाइप की चीज़ है ये। ज़रा से इसके ऊपर आप मारेंगे तो ज़ोर की आवाज़ आएगी। जंगों में और हर चीज़ में इस तरह के बर्तन यहाँ यूज़ किए जाते थे। ये थाल है, ये चम्मच है, और ये देख सकते हैं आप यूनिक सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी भी नहीं देखी। तो पुराने ज़माने के लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ किया करते थे। आज के दौर में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी।